महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी सियासी सस्पेंस खत्म हो चला है और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर अब सरकार बनाने जा रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे पहले वो शख्स हैं जो बतौर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र को लेकर बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सत्य की जीत हुई है, सत्ता के मद में बीजेपी चूर हो गई है और संविधान की जो व्यवस्था है उसकी अनदेखी करके कोई फैसला लेती है तो मुंह की खानी पड़ती है। मैं सभी नेताओं विधायकों को बधाई देना चाहता हूं और सभी अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरे दमखम के साथ लगे रहे और अंत में सत्य की ही जीत हुई है। देखिए, सत्ता के मद में चूर संविधान की जो व्यवस्था है उसे अनदेखी करके कोई फैसला लेती है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है और ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में। और मैं सभी नेताओं को, वहां के विधायकों को बधाई देना चाहता हूँ।